हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं 2 ऐसे शेयर की जिससे संबंधित बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। इसमें से अगर पहले स्टॉक की बात करें तो वो है रिलायंस पावर लिमिटेड और दूसरा है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड। अर्थात ये दोनों कंपनियां जो हैं, ये अनिल अंबानी की कंपनी है, जो कर्ज से डूबी हुई कंपनी तो है ही, साथ ही इसमें बहुत बड़े अपडेट निकल के आए हैं जो इसके शेयर प्राइस को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं रिलायंस फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो इसमें इस समय वर्तमान में ये लगभग 3.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जो कि अभी देख रहे हैं आपकी इस समय 2:50 के आसपास हो रहा है और ये लगभग 2% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया हुआ है अभी आज। अगर हम इसके 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने लगभग 5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। अगर हम 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में 3.5% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डरों को। 6 महीने में इसने 3.5% का ही पॉजिटिव रिटर्न निकाल दिया है। एयरटेल रेट की बात करें तो इसने लगभग 7.5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये आप देख रहे हैं एकदम फ्लैट गिरी हुई कंपनी है, जो कभी 100 रुपये से ऊपर हुआ करती थी, इसमें 3.25 रुपये के आसपास है। इसका मुख्य कारण की बात हमने पिछले वीडियो में की हुई है, जिसका लिंक हम इस वीडियो के अंत में डाल देंगे, जहाँ से आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आई बटन पर भी हम लगा देंगे, जहाँ से आप इसके बारे में जाके बखूबी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम उसके न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये 20 तारीख को अपडेट किया हुआ है, जिसमें कल ही तो आई है। इसमें बताया गया कि इनका जो क्वार्टर एंड रिजल्ट है 30 जून 2023 वाला जो क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है वो कब आने वाला है। दोस्तों, आप देख रहे हैं जो फ्राइडे है 28 जुलाई, इसी दिन इनके डेट के रिजल्ट आने वाले हैं जून 2023 के जो क्वार्टर बीता हुआ है। साथ ही साथ इसमें क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, ईयर ऑन ईयर भी देखा रिजल्ट आएगा, जो ये बताएगा कि जून और जून के बीच में क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो ये दोस्तों यही अपडेट में देना था कि रिलायंस होम फाइनेंस से संबंधित जो डेट आई है इसके क्वार्टर वन रिजल्ट की, वो 28 जुलाई है। और इसी 28 जुलाई को ये इस पे मेन फोकस करना जरूरी होगा, क्योंकि ये भी एक NCLT प्रक्रिया से गुजर रही कंपनी है, जो कि डेब्ट से भरी हुई है। इस पे भी बहुत ज़्यादा डेब्ट है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इसमें क्या रिजल्ट आता है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो ये मान के चलेगा कि ये प्रक्रिया जल्दी फाइनल हो सकती है और अपने शेयर होल्डर को ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। अब हम चलते हैं रिलायंस पावर लिमिटेड शेयर के बारे में देख लेते हैं, उससे संबंध क्या न्यूज़ निकल के आई है। इसके चार्ट पैटर्न को देखें तो ये वर्तमान में लगभग 1% की तेज़ी के साथ ये 15.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 5 दिन में इसने लगभग अपने शेयर होल्डरों को 3.5% का रिटर्न निकाल के दिया है। 1 महीने में इसने लगभग 7.5% का रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने में इसने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 20% का रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर एयरटेल रेट की बात करें तो इसने लगभग 8% का रिटर्न अपने शेयर होल्डरों को निकाल के दिया है। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप देख रहे हैं ये कभी 300-250 के आसपास कंपनी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में ये लगभग 15.85 रुपये पे ट्रेड कर रही है। और जिस हिसाब से इसमें वर्तमान डेवलपमेंट हो रहे हो, चाहे बांग्लादेश का प्रोजेक्ट प्लान का पाना हो या फिर इससे संबंधित कुछ और प्रोजेक्ट को लेना हो, या इसके अलावा जो विदर्भ में जो इसकी सब्सिडरी कंपनी, अभी जो पिछले वीडियो हमने बताया था कि इसके जो विदर्भ की जो सब्सिडरी कंपनी है उसको भी ये बेच के कर्जा जुटाने का प्रयास कर रही है, ताकि ये कर्ज को दे सके और इस कंपनी को कम से कम बचा सके। इससे संबंधित डिटेल एनालिसिस जाननी है कि रिलायंस पावर की कंपनी में इस समय क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसका फंडामेंटल क्या है, तो आप इसके इंड बटन पे रिलायंस पावर से संबंधित जो वीडियो है उसको देख सकते हैं और देख कर इसके बारे में बखूबी जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उस न्यूज़ को देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है यह है बल्क डील के संबंधित। इससे पहले हमने बल्क डील का पूरा पोस्टमार्टम किया था और बताया था कि यह बल्क डील के माध्यम से कैसे ऑपरेटर पूरा इसको मैनिपुलेट करे हुए हैं। हमने 19 तारीख तक पूरी डिटेल बताई थी और आपको बताया था कि ये देखिए कैसे ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, और 14.58 रुपये से लेकर इस समय 15.80 रुपये के आसपास ये लेके चले गए हैं, जो कि अभी हमने आपको दिखाया था कि वर्तमान में ये 15.85 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो फिर से देखिए, यहाँ पे एक बार फिर से मैनिपुलेशन की कोशिश की गई है और ये इसमें दिखाया गया है कि इन्होंने सबसे पहले 20 तारीख की बात कर रहे हैं हम, इन्होंने सबसे पहले लगभग 2.10 करोड़ का शेयर इन्होंने बेचा था और 2.14 करोड़ शेयर इन्होंने खरीदा है। अर्थात 2.14 करोड़ जो शेयर खरीदा है वो, और 2.10 करोड़ इन्होंने शेयर बेचा है, अर्थात 4 लाख जो इन्होंने शेयर अपने पास रखा हुआ है वो ये बता रहा है कि आने वाले समय में ये फिर से इनको बेचने को देखने को मिलेगा। अभी इन्होंने खरीदा कितने पर था, 15.77 रुपये, बेचा कितने पर था, 15.76 रुपये पे। अभी आप देख रहे हैं कि इसमें 15.85 रुपये पे चल रहा है, अर्थात जब 2 करोड़ में इससे अभी इसमें लगभग 8 पैसे का फ़ायदा इनको मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं इसमें लगभग 8 पैसे का जो फ़ायदा मिल रहा है उससे 2 करोड़
जब शेयर इनके पास खरीदेंगे और बेचेंगे तो उससे बड़ा कितना फ़ायदा मिल सकता है। तो यही इसमें मैनिपुलेशन का काम चल रहा है, और जैसे जैसे ये मैनिपुलेट करते चले जाएंगे, ऑपरेटर अपना गेम खेलते चले जाएंगे, इसका प्राइस बढ़ता हुआ चला जाएगा। जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पिछले वीडियो में कि 14.58 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा था, जो कि वर्तमान में 15.85 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। लगभग 1.5 रुपये के आसपास इसमें बढ़ोतरी हो गई है, और ये सिर्फ इसलिए हुआ है, हालांकि कोई इससे संबंधित कोई बहुत अच्छी न्यूज़ तो नहीं आई है, लेकिन ये सिर्फ ये हार्टी प्राइवेट लिमिटेड और एक प्रवा फाइनेंस लिमिटेड हैं, इन दोनों ने मिलकर इनको गजब का मैनिपुलेट किया है। तो दोस्तों, इस शेयर से निवेश करने से पहले थोड़ा सा आप इस पर रिसर्च करिए और इसके फंडामेंटल एनालिसिस को जानने का प्रयास करिए, ताकि आपका निवेश सुरक्षित रहे और आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।